अस्सलाम वालेकुम। आज मैं बनाऊंगी चिकन के पराठे। चिकन के पराठे बनाने के लिए चाहिए कीमा, प्याज, हरी मिर्च, धनिया और पुदीना, नमक, लाल मिर्च, गरम मसाला, अदरक, दही, ऑयल, आटा। अब मैं आटा गूंदूंगी। उसके लिए 1/2 चम्मच नमक चाहिए, हल्का सा पानी लगा। अब आटा तैयार है। अब मैं कीमे को मिक्स करूंगी। आधा किलो कीमा, 2 प्याज, 3 से 4 हरी मिर्च पीसी हुई, एक चम्मच अदरक, हरा धनिया और पुदीना। नमक हसबे जायका, एक चम्मच लाल मिर्च, आधा चम्मच गरम मसाला। अब मैं इसको मिक्स करूंगी। इसको अच्छी तरह मिक्स कर लें। देखिए अब ये मिक्स हो गया। अब मैं इसके छोटे छोटे पेड़े बनाऊंगी। इस साइज के पेड़ इस साइज के पेड़े बनाने, ऐसे
ऐसे ही इसको आटा लगाना है दोनों साइडों के ऊपर, अच्छे से लगा के दोनों साइडों के ऊपर ऐसे। ऐसे इस तरह लगा के आटा इसको ऐसे बेल लेना आप, इसको हल्का हल्का ऐसे करना। अब इसके नीचे थोड़ा सा ना आटा फैला रहे हैं ऐसे। अब मैं इसमें कीमा भरूंगी। देखिए सारा मैंने इसको ना लगा दिया। अब इसके ऊपर ऐसे दे बिछा देना एक से, ठीक है। अब इसके ऊपर थोड़ा सा ना आटा छिड़क लें, इसकी साइड बदल दें ऐसे बिल्कुल एक जैसा करके ना बराबर, थोड़ा सा इधर भी आटा छिड़क लें। अब आस्था से बड़े प्यार से इसको ऐसे बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अब को ऐसे करके ना ऐसे, चलो अब इसको ऊपर डालें। तवा गर्म है, तवे के ऊपर ना ऐसे फैला देनी है और इसको ना ऐसे बिल्कुल हाथ की मदद से ना गोल कर लेनी। इसके बनने तक मैं एक और रोटी बना लूंगी। ये देखें आस्ता से इसको गोल करके ना इसको एक या दो दफा बस ऐसे करना, इसको यहाँ रख देना। फिर एक और पेड़ा ले लेना ऐसे, फिर ऐसे ऐसे ना ऐसे ऐसे करके ना ऐसे गोल हो जाता है ऐसे। अब मैं इसमें घी डालूंगी। घी डालने के बाद इसको प्यार से ना मैं ऐसे इसकी सैर बदल, सैर बदल के बाद इसे आराम से ऐसे करना है, बड़े आराम से करना है। अब इसकी ना दूसरी साइड पर पलटूंगी ऐसे। अब दूसरा रोटी बना, मैं दूसरी रोटी बनाने लगी हूँ ऐसे ही। देखें 2 चम्मच डाले हैं मैंने बाद के, फिर हाथ की मदद से सारा फैला देना है। ये देखो सारा एक जैसा हो गया बराबर, यहाँ से रह जाए ऐसे ऐसे करके ना इसको दबा लें और फिर हल्का सा ऐसे करके रोटी को इसके ऊपर फैला दें ऐसे, फिर ऐसे। अब इसके ऊपर थोड़ा सा आटा फैला दें, फिर इसकी साइड बदल लें, फिर इस इधर भी थोड़ा सा आटा फैला दें ऐसे। इसको ना ऐसे हिलाते जाना हल्की आंच पे, फिर इसकी साइड बदल के अभी थोड़ा सा ना ये और ब्राउन हो गया। अब मैं इसको ना प्लेट में डालूं।
अब ऐसे दोबारा हल्का सा प्यार से करना है। अब इसको ऐसे आराम से देखें, तवे के ऊपर मैंने आराम से ना ऐसे आराम से डाल के ना अगर किसी जैसे बराबर कर लें। चल मैं थोड़ा सा घी डालूंगी, ऐसे ऐसे आराम से इसकी साइड बदलनी है, आराम से टूट ना जाए, आराम से ऐसे। चल अपना इसे आराम से ऐसे लाना है, मैं इसकी साइड चेंज कर लूँ। कितनी अच्छी फ्राई हो गई है ये। अब ये फ्राई हो गई है, थोड़ा सा मैं एक दफ़ा इसी से टेस्ट कर दूँ। अब ये बिल्कुल ठीक, देखो कितनी प्यारी ब्राउन हो गई है। अब इसको मैं ना प्लेट में उतार, अब ये रोटी तैयार हो गई है, दही के साथ खाएं। अल्लाह हाफिज़।